सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। मॉडल ड्राइंग में सिंपल तरीका, सबसे पहले कि आप मॉडल के लिए सिंपल प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। जैसे ये आपका पेज है, ये आप देख रहे हैं, इसमें आपने यहाँ पे एक लाइन लगानी है, ऐसे यहाँ पे लगभग 2-3 सेंटीमीटर के लगभग। तो ऐसे मैं पेज पकड़ लेता हूँ और यहाँ से आपने इसमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी प्रयोग नहीं करना है, आपने हल्के हाथ से इसी तरह से लगानी है। सही तरीका इसका ऐसे है, इस तरह से आप पेज को पकड़ रहे हैं इस तरह से, और यहाँ से आपने ऐसे खींचते हुए लाइन लगानी है इस तरह से, यहाँ से ऐसे, ये आप देख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल सीधी लाइन आएगी इस तरह से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम लाइन लगा दी आपने। यहाँ पे भी आपने इसी तरह से इधर को लाइन लगानी है इसमें, यहाँ से इस तरह से, और यहां से भी आपने इसी तरह से इसमें लाइन लगानी, यहां से, ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये आपकी पेपर डिवीजन हो चुकी है इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे आपने इसमें ड्राइंग बोर्ड बनाना है तो आपने लगभग बीच मध्य से यहां से आपने लगभग 1 सेंटीमीटर इस तरह छोड़ना है, और यहां से जितना आप छोड़ेंगे, जैसे मान लो हमने इतना छोड़ दिया यहां पे, तो हमने यहां से जो है वो इस तरह से यहाँ से हल्की लाइन लगानी है ऐसे, और यहाँ से इधर जितना आपने इधर छोड़ा है ना, इससे थोड़ा कम इधर आप छोड़ सकते हैं, और यहाँ से आपने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आपने लाइन लगानी है। तो ये आपका जो है वो ड्राइंग बोर्ड है, ठीक है, इस तरह से ड्राइंग बोर्ड की मोटाई है, इस तरह से बना सकते हैं, और ये जो आपका है वो आप इस तरह से सिंपल तरीके से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आपने इसका सेंटर का, अगर ये तीन कोने आ गए ना, 1, 2, 3 कोने आ गए, तो आपने अगला कोण अगर निकालना है इसका, तो इस तरह से आप इन कोणों को आपस में ऐसे मिला दो, ठीक है, और पेंसिल से आप इसका हाफ कर दो। जैसे ये इतना आ रहा है तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा मुझे पेंसिल पकड़नी पड़ेगी इस तरह से, तो यहाँ से भी थोड़ा लगभग इतना आ रहा है, तो इसको आपने यहाँ से ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे ही आगे बढ़ा देना। इसमें फ्री हैंड ही काम होना है, इसमें बिल्कुल भी आपने फुट्टा यूज़ नहीं करना। जो ये बीच की आपकी लाइन है, इसके आपने बराबर 3 भाग करने, मैं आइडिया से कर रहा हूँ, जैसे 2 भाग ये, तो 2 भाग हमने आगे छोड़ देने, लगभग इतने आ रहे, तो ये आपका जो है वो चौथा कोण आ गया इस तरह से, ठीक है, इतना आपको दिख रहा है, ये आपको समझ आ रहा है। अब इसके ऊपर एक डब्बा बनाया हुआ है और एक कप बना हुआ है, तो हमने क्या करना है, ये लाइन अब हम यहाँ से इसको मिटा देंगे इस तरह से, इतनी हल्की आपकी लाइनें लगनी चाहिए, तो इस तरह से आसानी से जो ये मिट जाए। अब इसके ऊपर डब्बा बना हुआ है, तो इसी के समान जैसे ये आपका सेंटर था, तो सेंटर से थोड़ा आगे हमने ले लेना है, यहाँ जैसे हम ले लेते, ये कोना ले लेते, यहाँ से हमने डब्बे का ये निचला पोर्शन आ गया, ये आपका इधर वाला पोर्शन आ गया इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ से हमने सीधी लाइन लगानी है, यहाँ से भी हमने सीधी लाइन लगानी है, और यहाँ से भी हमने सीधी लाइन लगानी है, तो इसके बीच की जो पिछली लाइन हमारी ये है, जो आपका ड्राइंग बोर्ड था, ये हमारी अब मिट चुकी है, ये यहाँ से मिट गई, क्योंकि ये दिखेगी नहीं हमारे को, इससे पहले तो हमने डब्बा बनाना था, ठीक है। इस तरह से अब हम इसके कॉर्नर इस तरह मिला देंगे, यहाँ से हम इसको इस तरह से मिला, ठीक है। अब इसका भी हमने पिछला कॉर्नर पता करना है, तो इसका भी सेम प्रोसेस वही है कि हमने इसके आमने सामने कॉर्नर मिला देने, इसका हमने जो है वो हाफ कर देना, जैसे ये है तो आपका थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा हमारे को, ये है, ये थोड़ा और कम कर देते हैं यहाँ से, ये है, ये जैसे आ रहा है ना, इस कोण को हमने यहाँ मिला देना, इसके हमने 3 भाग कर देने, और जो इसके 2 भाग है ना, ये 2 भाग, ये हमने आगे काट देने यहाँ से, ठीक है। इस लाइन को हमने इस तरह से ना थोड़ा आगे लेके जाना है, और जितने हमारे इसके 2 भाग है, कहने का मतलब है इसके 5 भाग हो जाएंगे फिर इस तरह से, यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ जैसे आ रहा है ना, तो इसको हमने यहाँ मिला देना, इस कोने को इसको हमने यहाँ, बेशक ये बाद में मिट जाएगा, पर जो तिरछी लाइन आ रही है ना, ये तभी हमारी सही लग पाएगी यदि हमें ये कार्य सही किया। इस तरह से आप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इस तरह से। अब आपने क्या करना है, इसमें यहाँ पे जो है वो इसमें फोल्ड होता है, गत्ता जैसे होता है ना, गत्ता को फोल्ड किया जाता है, तो यहाँ से लगभग सेंटर में हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है, इसके कॉर्नर जो है हमने वो
इस तरह से इसमें मिला देना है। ये कॉर्नर जो हम इस तरह से मिलाएंगे क्योंकि ये वाली फट्टी इससे पीछे आ गई, इस तरह से आपका बन गया। इतना हल्का आपका लाइनें लगनी चाहिए कि पेंसिल से जब भी आप इसको मिटाओ तो ये एकदम मिट जाए और जब आप शेडिंग करेंगे तो इसमें मिक्स हो जाएगी। इस तरह से बन गया है आपका। अब आपने इसके ऊपर एक कप बनाना है, ठीक है। तो आपकी जो सेंटर की लाइन है ये, तो यहाँ से हमने कप बनाना है, तो लगभग इसके बीच में कप बना हुआ है, तो यहाँ पे जैसे आप कप की दूरी ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने दूरी ले ली है। यहाँ से हमने सीधी रेखा ऊपर को लगानी है, यहाँ से भी हमने सीधी रेखा ऊपर को लगानी है, इस तरह से, ठीक है। यदि तो कप आपका चीनी मिट्टी का जैसे होते हैं तो वो बराबर होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे से बिल्कुल बराबर। थोड़ी मैं और चौड़ी लगा लेता हूँ लाइन, कप थोड़ा बड़ा होता है इससे, इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हमने इसके कॉर्नर मिला देने इस तरह, ठीक है। ऊपर हमने क्या करना है, ऊपर भी हमने इसके कॉर्नर ऐसे मिला देने हैं। ये कप का ऊपर का हिस्सा आ चुका है, ठीक है। यहाँ इसमें डंडी है कप को पकड़ने के लिए, इस तरह से। तो डंडी हमेशा क्या होती, ये यहाँ पे यहाँ बंद हो जाएगी ना, तो यहाँ से ये अब बाहर से नहीं आएगी, ये यहाँ से अंदर से आएगी, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। इसमें यहाँ पर हम फूल बना देते हैं इस तरह से, ठीक है, ये आपका आ गया। यहां से हम इसमें पत्ती बना देंगे, यहां से हम इसमें पत्ती बना देंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह से ये हमारा बनके तैयार हो गया। इस तरह से आपने फ्री हैंड ड्राइंग में जो है बनाना है। जैसे ये आपका ड्राइंग बोर्ड है तो यहां से हमने इसको यूज किया है ड्राइंग बोर्ड को, तो यहां पर इसमें पाए होते लगे हुए ड्राइंग बोर्ड में, तो इस तरह से अपने पाए लगाने और ये इसकी शेडो आएगी इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। जितनी दूरी पर हमने यहाँ पाया लगाया है ये आप देख सकते हैं, यहाँ से ये आप इतना है तो इतनी दूरी पर यहाँ पे, तो ये यहाँ जैसे आ रहा है, यहाँ जैसे, यहाँ से हमने बिल्कुल सीधी लाइनें लगानी है इस तरह से नीचे को, तो ये इसको मिला देंगे और यहाँ से हमने इसको ऐसे शेडो दे दें यहाँ से इस तरह से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है ना सिंपल तरीके से, ठीक है, सिंपल तरीके से इस तरह से आपका ये जो मॉडल का ग्राफ एक है वो बन जाता है। जबकि एंगल यदि देखा जाए तो ये यहाँ से हम देख रहे हैं, इस एरिया से हम देख रहे हैं, तो ये लगभग 6 और 7 नंबर का स्टूडेंट या लास्ट में 12-13 नंबर का जो स्टूडेंट होता है वो देखता है, उसके लिए ये इस तरह का बना हुआ है। ये यहाँ पर इस साइड से बच्चा बैठ कर नहीं बना रहा है इसको, किस साइड से बच्चा देख बैठ करके इसको बना रहा है उसके बच्चे के लिए इस तरह का ये बनेगा। तो जैसे आपको दिख रहा है शेडिंग, इसमें आप अभी 60 डिग्री में आपने शेडिंग करनी है, इसमें शेडिंग का जो आगे का है। अभी फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक फिगर बनाने सिखा रहा हूँ कि फिगर आप मॉडल ड्राइंग के लिए कैसे बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये आपका फिगर बन के तैयार हो गया। बाकी किसी भी तरह का आपको फिगर बनना सेम तरीका यही है। एक यहाँ पर जो है ना अपने आइडिया से लगभग 2-3 सेंटीमीटर यहाँ से आप जगह छोड़ दीजिए, 1-1 सेंटीमीटर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड छोड़ दीजिए और यहाँ से आप बनाना जो है ना ऊपर किसी भी तरह का, इधर को बना लो इधर को बना लो। अभी सिर्फ आपको एक हाथ फ्री हैंड चलाना सिखाया जा रहा है, इस तरह से आपने जो फ्री हैंड में बनाना।